हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब है, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों, डेली न्यूज़ सीमांचल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 20 मार्च 2019 की सीमांचल सहित पूरे बिहार की टॉप 20 न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए, देखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फिर किशनगंज जिला के कोचादमन विधानसभा क्षेत्र के पिछला पंचायत के अंतर्गत ब्राड़ो में आगामी 23, 24 और 25 मार्च को होने वाले आलमी इज्तिमा की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसका जायजा लेने के लिए विधायक मुजाहिद आलम, डीएम हिमांशु शर्मा, एसडीएम, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर सहित कई प्रशासनों ने जाकर जायजा लिया। पुणे जिले के सनौली चौक के पास एक युवती की शव बरामद हुई है। युवती के गले पर गहरे जख्म का निशान है, इससे साफ पता चलता है कि उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक युवती की पहचान बदलिया टोला निवासी सबीना खातून के रूप में की गई है। शव के पास से पुलिस को चाकू बरामद हुआ है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि शौच के लिए जाते उन्होंने इस युवती का शव देखा। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अररिया सदर अस्पताल में शनिवार को एक महिला की प्रसव कराने के बाद महिला और नवजात की मौत हो गई। महिला और नवजात की मौत के मामले को लेकर मृतका के पति मोहम्मद रिजवान ने नगर थाना में नाम दर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई है। अररिया जिला के कुर्साकड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम हरीरा में घर में सोई हुई एक युवती का अपहरण कर लिया है। इस बात की जानकारी जब युवती के पिता सजन कुमार को हुई तो उन्होंने 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 14 मार्च 2019 को अन्य दिन की तरह उनकी बेटी खाना खाकर अपने कमरे में सोनी चली गई। सुबह जब देर तक नहीं जाएगी तो कमरे को देखा तो वो कमरे से गायब मिली। परिजनों ने अगल बगल और रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बिहार में होली पर्व और लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया और वैशाली जिले से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर भारी मात्रा में शराब के साथ 17 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के बस्ती में आग लगने से 50 घर जलकर राख हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चीनी मिल के निकट बस्ती में एक घर में खाना बनाने के दौरान आग लगी। देखते ही देखते 50 घर इस आग के लपेट में आ गए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोरासन थाना क्षेत्र में सोमवार को बदमाशों ने वार्ड सदस्य सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। वैशाली जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और एटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन कर एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को मार गिराया है। वहीं 3 अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पहले और दूसरे चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पूर्णिया से जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने नामांकन किया है। उनके नामांकन के वक्त बिहार एनडीए के 3 बड़े नेता भी नजर आए हैं। नीतीश बाबू के बिहार में अपहरण और फिरौती के मामले में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब फिरौती के लिए परिवहन विभाग के मोबाइल इंस्पेक्टर मनोज कुमार रंजन की 2 साल की बेटी का अपहरण उनके ही ड्राइवर ने कर लिया। हालांकि कुछ ही घंटों में पुलिस ने अगवा बच्ची को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल इंस्पेक्टर मनोज कुमार रंजन की बेटी मिष्टी कुमारी का अपहरण उनके ही निजी चालक चंद्रशेखर ने किया था। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी पटना पहुंचे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर में उन्होंने कई मुद्दे पर अपना राय जाहिर किया और साथ ही आम चुनाव में एनडीए की जीत का भी दावा किया है। पुलिस से बदसलूकी के 25 साल पुराने मुकदमे में बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने MP MLA कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पवन तिवारी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जमानत और मुचलका पेश करने पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रिहा कर दिया। सांसद पप्पू यादव 4 घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। कटिहार जिला में पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति राजीव रंजन ने कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 स्थित रेलवे कोर्ट का निरीक्षण किया। राजीव रंजन ने निरीक्षण के क्रम में रेलवे कोर्ट स्थित हाजत के अंदर जाकर वास्तविक स्थिति में रूबरू हुए। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे नेताओं का प्रहार अपने विरोधियों पर होता जा रहा है। कभी नेताओं के पार्टी बदलने को लेकर तो कभी लोकसभा सीट को लेकर नेताओं द्वारा जमकर बयानबाजी की जा रही है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महासचिव DP त्रिपाठी ने तारिक अनवर पर निशाना साधा है। शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव DP त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के कटिहार लोकसभा सीट तारिक अनवर की कोई जागीर नहीं है।